समल जी, आज आप मैक्स हॉस्पिटल में आए हुए हैं और तूफानी जी की तबीयत के बारे में क्या अपडेट है, आप कुछ बताएंगे थोड़ा सा? हम तो आए, उसके बाद गए, देखे भी, हाल भी देखे। अभी उतना सुधार नहीं है, बट हाँ, डॉक्टर साहब का कहना है कि नहीं, धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। वेंटिलेटर पे हैं तो अभी कुछ बोलना वो भी नहीं है, बट महादेव करें कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए, हम लोग कामना करते हैं। और सभी लोग सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, ताकि तूफानी भैया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और अभी बाहर आए हैं तो अभी डॉक्टर साहब से फिर जाके मिलना है 1 घंटे बाद, तो फिर वो रिपोर्ट देंगे और आगे जो भी रहेगा अपडेट आप लोगों को दिया जाएगा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री सारे लोग तूफानी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो जिन जिन लोगों ने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो लोग भी भरपूर सहयोग करें, सपोर्ट करें, जहाँ से जो हो सके दिल से, क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्रीज के अच्छे कलाकार हैं और जिन्होंने भोजपुरी की सेवा भी की है। और सबसे बड़ी बात है कि एकजुटता जब रहेगी सब लोगों में, तो किसी भी कलाकार को कहीं पे दुनिया में कहीं रहे, कुछ भी हो, तो हमारी भोजपुरी के कलाकार हैं तो कौन, भोजपुरी के लोग इनका सहयोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा जी। जहाँ तक सुबह एक वीडियो वायरल हो रही थी कि आप आने वाले हैं और फाइनली आप विनाशक का प्रीमियर छोड़ के आप यहाँ पे आए हैं, तो फिर क्या? हाँ, सारा शेड्यूल लगा हुआ था कि कल हम लोग आज की डेट में कि आज जाएंगे थिएटर पे, प्रमोशन करेंगे फिल्म का, विनाशक का, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इधर आना था। मैंने बोला कि नहीं, यहाँ परनो भैया से, संतोष रेणु जी से हमारी बात हुई है। समर जी, आज खेसारी लाल यादव के मैनेजर प्रणव जी भी आज आए हैं आपके साथ थे, तो खेसारी भैया ने अभी तक क्या सपोर्ट किया, कुछ आप बताएंगे थोड़ा सा? खेसारी भैया बहुत बड़ा सपोर्ट किए हैं और करेंगे, क्योंकि वो हमेशा करते आए हुए हैं। जो भी चाहे कहीं पे भी देखते हैं, कुछ भी होता है भोजपुरी से जुड़ा हुआ, या कहीं बाढ़ आती है तो कहीं कुछ होता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया या कोई घटना हो गई, तो खेसारी भैया हमेशा सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरे भोजपुरी, जितने लोग मतलब काम करते हैं भोजपुरी में, सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि लोग भोजपुरी का कोई भी कलाकार हो, उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो सभी लोग मिल के सहयोग करें, मिल के सपोर्ट करें, ताकि बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो भी तो हमारी भोजपुरी की सेवा कर रहे हैं। आज हमारे तूफानी भैया का तबीयत जब से ख़राब हुआ है, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी लोग सहयोग करके अपना अपडेट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और हमेशा ऐसे ही हो, हमारी यही विनती है। और महादेव से एक बार फिर कामना करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। तो भैया, आपने क्या सपोर्ट किया है, मतलब जैसे आप आए हैं तो आपने क्या मतलब फाइनेंशियली किया? हमारा तन मन धन हर जगह से सपोर्ट है। हाँ, वो बाहर वाला नहीं है, हम हमेशा से, वो हमारे भैया हैं, हमको बहुत प्यार करते हैं, तो मैं उनके लिए तन मन धन से हर जगह से हूँ। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जैसे पवन जी अभी तक सामने नहीं आए हैं और
मनोज तिवारी और रवि किशन भी जो मेन हैं इंडस्ट्री के जो गढ़, वो लोग अभी तक सामने नहीं आए जैसा कि नहीं, सभी लोग अपने अपने जगह से सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कमी नहीं है और सभी लोगों का हो रहा है। उनके नॉलेज में नहीं होगा या जैसे भी नॉलेज में होगा तो करेंगे, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं करेगा।